महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, आज का विषय है जीवन में कैसे मिले सफलताएं। हर आदमी सफलता का प्रयास करता है, जो जिस क्षेत्र में होता है वहां से वह सफलता अर्जित करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो असफल हो जाया करते हैं। विद्यार्थी है तो वह सफल होना चाहता है, व्यापारी है तो वह सफलता चाहता है, एक संत है तो वह जीवन की सफलता चाहता है, एक सर्विस करता है तो वह अपने जीवन की सफलताओं की शिखर को छूना चाहता है, राजनेता है तो वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करता है, अभिनेता है तो वह भी सफलता के स्वप्न देखा करता है। ऐसा कौन है जो अपने जीवन में सफलता नहीं चाहता होता? हर किसी को सफलताएं चाहिए। कैसे मिलेगी सफलता? कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत में सफलता होगी तो मिलेगी, कुछ कहते हैं कि ईश्वर की कृपा हो जाए तो सफलता मिलेगी, और कुछ मेरे पास आते हैं कि महाराज सिर पर हाथ रख दो तो सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। जहां तक मैं सोचता हूं कि सफलता या कामयाबी किस्मत की देन नहीं हुआ करती है, ऐसी कोई किस्मत नहीं है जो तुम्हें सफलता के शिखर पर ले जा करके बिठा दे। सफलता, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, सफलता भाग्य के भरोसे नहीं मिला करती है, सफलता के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ा करती है, सफलता के लिए कुछ कर्म करना पड़ेंगे। अरे सकल पदार्थ या जग माही और कर्म हीन नर पावत, नहीं कोई भाग्य नहीं देगा तुम्हें सफलता। हाथ में चाबी लेकर के खड़े रहो और ताले में चाबी ना डालो और बोलो कि भगवान ताला खोल देगा, इससे बड़ी गलत फहमी दुनिया की कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। एक बात स्मरण में रखिए, ये मत सोचो कि मानतुंग की ताले किसी परमात्मा ने खोले थे, यदि मानतुंग उनकी भक्ति का पुरुषार्थ ना करते तो किसी परमात्मा में ताकत नहीं थी कि 48 तालों को तोड़। सफलता हमारी मुट्ठी में है मेरे भाई, सफलता अपने आप नहीं मिलेगी, सफलता आकस्मिक नहीं मिला करती है, सफलता के लिए एक प्रोसेस हुआ करती है, सफलता की एक प्रक्रिया हुआ करती है। बिना प्रक्रिया से गुजरे इस दुनिया में कोई आदमी सफल नहीं हुआ है। किस्मत या बदकिस्मती से जीवन में ऊंचाइयां नहीं मिला करती हैं। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, सफलता पाने के लिए उचित पुरुषार्थ और कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ा करती है। जो कड़ी मेहनत करते हैं और उचित पुरुषार्थ, एक बात ध्यान रखना, पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अकेले मेहनत करने से मंजिलें नहीं मिला करती हैं, मेहनत के साथ साथ हमारे पास दिशा भी होना चाहिए, हमारे पास उचित पुरुषार्थ होना चाहिए। एक बात तो सोचो, एक तबला बजाना
आपके लिए कितना कठिन काम हुआ करता है। आपके सामने एक तबला रख दिया जाए, आपके सामने एक हारमोनियम रख दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से सुर निकालो, तो बहुत कठिन काम होता है। लेकिन एक बात स्मरण रखना, जिन्हें उसकी प्रक्रिया नहीं मालूम उसके लिए तबला बजाना बहुत कठिन काम है, लेकिन जाकिर हुसैन के सामने रख दो तो उसके लिए बच्चे का खेल हुआ करता है। ध्यान रखिए, उसने यह सफलता कहां से प्राप्त की है? ये कठिन कठिन काम को बच्चों का खेल यदि उसने बनाया है तो किसी अल्लाह की कृपा से नहीं बनाया, किसी ईश्वर की कृपा से नहीं बनाया है। अरे कठोर परिश्रम किया होगा, उचित पुरुषार्थ किया होगा, तब जीवन में जाके सफलताएं प्राप्त हुआ। हारमोनियम कितना कठिन है मेरे भाई? अरे हारमोनियम तो छोड़ो, यदि मैं आपको खड़ा कर दूं कि एक घंटे यहां प्रवचन दीजिए, पसीना निकल आएगा। अरे दिन भर कितना भी बड़बड़ करते रहो, लेकिन माइक पर बिठा दिया जाए तो अच्छों अच्छों के शब्द गौण हो जाया करते हैं, जो शब्द नहीं मिला करते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि आप इस प्रक्रिया से गुजरे नहीं हैं। ये मत सोचना कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं तो इसमें ईश्वर की कोई कृपा होगी, ये मेरा पुरुषार्थ और मेरी मेहनत का फल है कि हजारों लोग मुझे सुनने को तैयार हो जाए। सोचना, मुर्दे चेहरे लेकर के जियोगे, निराशा और घुटन में जियोगे तो नाकामियां कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ध्यान रखना, अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जीवन सब कुछ मिलता है, बने बने ने आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त कर ली, और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ करने का ठाना, सुनीता जैसी एक भारत की बेटी अंतरिक्ष की यात्रा कर लिया करती है। ध्यान रखना, जो बड़े बड़े पुरुषों से काम नहीं होता वो काम इस भारत की एक लड़की करके दिखा दिया करती है। क्या है ये सब? ये उसका लगन, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी लगन और मेहनत का परिणाम हुआ करता है। व्यर्थ के कपोल कल्पित बातों में मत आइए, एक सफलता के लिए 100-100 असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आप ये मत सोचो कि कोई व्यक्ति एक बार में सफल हो जाता है। अरे तुम भी जब पैदा हुए थे ना, तो चलना सीखने के लिए कई बार जमीन पर गिरे हो, कई बार तुम जमीन पर नीचे आए हो, तब जाकर आदमी चलना सीखता है। अरे तुम्हारी बात तो छोड़ो, एक अपाहिज भी यदि प्रयास करता है, एक अपाहिज भी अपने जीवन में चलने की साधना कर लिया करता है। प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, लगन लगाना पड़ेगी। अपने आप दुनिया में कुछ होता, भाग्य भरोसे कब तक बैठोगे हिंदुस्तान के आदमियों? भाग्य के भरोसे कुछ ना मिलेगा, जिन्होंने भी पाया है, लड़ करके पाया है, जूझ करके पाया है। ध्यान रखिए, आंसू बहाते हो अपनी नाकामियों पर। एक व्यक्ति आया, मेरा व्यापार फेल है महाराज, मैं क्या करूं? एक महिला आई, मेरे घर का व्यवहार अच्छा नहीं है, घर में घुटन होती है, मैं क्या करूं? तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पहुंच कर अश्क अपनी आंखों के मुस्कुराओ तो कोई बात बने, और सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, और अपना हक दुनिया वालों से छीन लाओ तो कोई बात बने, और सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। क्यों हताश हो जाते हो? चलते चलते थक जाते हो जिंदगी। एक बात याद रखना, लक्ष्य वाले पंथ पथरीले नहीं होते, हम स्वयं ही चलकर घायल हो जाया करते हैं। जिन्हें लक्ष्य प्राप्त करना है, जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं, वो धराशा ही पड़े जो हार से डर कर पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है, वो किनारे ही खड़े जो सिंधु को बांधे खड़े हैं।
जीवन में पौरुष को जगाइए। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भाग्य से नहीं मिलते हैं, इनके आगे पुरुषार्थ शब्द लगाया जाता है। धर्म के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अर्थ के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, काम के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और मोक्ष तो बिना पुरुषार्थ के कभी प्राप्त होता है। सतत पुरुषार्थ करो, प्रयत्नशील रहो, एक बार असफलता मिलेगी, 10 बार मिलेगी, 100 बार मिलेगी, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। नाम जान के असफलता कब तक छुप कर रहेगी? असफलता तो कायरों से छुपा करती है, जो वीर होते हैं वो चट्टान से भी पानी निकालने की ताकत अपने अंदर रखा करते हैं। ऐसा पौरुष जगाइए अपना, ऐसे निढाल नकारात्मक सोच, निराश चेहरा, बुझा बुझी सी जिंदगी। आज एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है ना, तो उसके हाथ में वो ताकत नहीं बची है। आज बैयावती करने आते हैं ये नौजवान मेरे, उनके हाथों में कुछ ताकत ही नहीं होती है। ऐसी बैयावती कर रहे, ऐसी कर रहे, उनका हाथ यदि मुझे टच करते हैं तो लगता ही नहीं किसी लड़के का हाथ है, किसी मर्द का हाथ है। ध्यान रखिए, मर्द का हाथ तो वो होता है कि एक हाथ मारता है और चट्टान के टुकड़े करने के लिए हौसले रखा करता हो। ध्यान, फौलादी बनिए। अब ढीले ढीले बुझे बुझे लोगों से कुछ नहीं होगा, अब लोह पुरुष बन करके तुम्हें दुनिया में खड़े होना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, तुमने कहावत सुनी होगी ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती है। मालिक खड़ा खड़ा देखता रहता है, लाठी वाला भैंस को लेकर चला जाता। ताकत पैदा करिए अपने अंदर। क्यों नहीं बदल सकते अपने घर को? क्यों अपने नरक जैसे घर को आप स्वर्ग नहीं बना सकते हैं? आदमी सोचता है मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता, मैं अपने व्यवहार नहीं बदल सकता। अरे क्यों नहीं बदल सकता भाई? दो तरह के लोग होते हैं, एक बूढ़ा आदमी होता है और एक जवान आदमी होता है। जानते हो जवान कौन होता है, किसे कहते हैं जवान? मालूम कौन होता है जवान और कौन होता है बूढ़ा? मैं तो इतना ही जान पाया हूं, जो व्यक्ति 23 साल की उम्र में भी ये कहे कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरे बस का बात नहीं है, समझना वो आदमी 23 साल में भी बूढ़ा हो चुका है। और जो 80 साल में भी कहता है कि मेरा जमाना पहले भी था और मेरा जमाना आज भी है और मेरा जमाना हमेशा रहेगा, वो 80 साल का बूढ़ा भी मेरी नजरों में 23 साल का जवान है। कैसे चला जाएगा समय? जो कहता है हमारे दिन चले गए, वो बूढ़ा हो गया आदमी, बूढ़ी सोच हो गई उसकी। जो कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, भरी जवानी में बुढ़ापे को ढो रहा है अपने सिर पर। ध्यान रखिए, और 80 साल की दादाजी भी कहते कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो 80 साल में भी जवानी का पुरुषार्थ दिखाया करते हैं। मानवर सोचना है, ये देखिए जिन लोगों को 50% सफलता मिली है, मैं सोचता हूं कि उन्होंने 50% शक्ति लगाई है इसलिए 50% सफलता मिली है। और जो लोग पूर्ण सफल होते हैं उन्होंने 100% से ज्यादा अपनी शक्ति लगा दी, इसलिए आज उन्हें 100% सफलताएं मिला करती हैं। एक बात महिलाएं जानती होंगी कि पानी भाप कब बनता है, बोलिए, जब उसको गर्म किया जाता है। एक बात याद रखना, गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता, जब पानी खोलता है तब भाप बन करके ऊपर जाता है। तो जिन लोगों के विचार गुनगुने होते हैं, जिन लोगों के विचार पूरी तरह से तपते नहीं है, वो जीवन की ऊंचाइयों प्राप्त नहीं किया करते हैं। गुनगुने विचार वाले कभी जीवन की ऊंचाइयां नहीं पा सकते हैं। भाप बनना है तो पानी को 100 डिग्री से ऊपर जाकर खोलना पड़ेगा, तब जाकर पानी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त किया कर। गुनगुने विचार मत रखिए, हौसले रखिए। ध्यान रखना, हौसले जिनके बुलंद हुआ करते हैं वो आंधियों में चिराग जलाया करते हैं। ध्यान,
आले के भीतर चिराग जलाया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। चिराग जलाना तो वो है कि भरे तूफान के बीच भी कोई मुंडेर पर जलता हुआ चिराग तूफान से कह रहा है मुझको बुझा के देख। मान्यवर, सफलताएं प्राप्त करिए। नेपोलियन बोनापार्ट्स का नाम सुना होगा। अल्बास की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है। एक बुढ़िया ने उसे रोका कि नेपोलियन तुम पागल हो गए हो, ये कोई पहाड़ी या टीला नहीं है, अल्पास की चोटियों को छूना सबके बस की बात नहीं है, लौट जाओ तुम वापिस, तुमसे ये काम ना हो सकेगा, तुम दुबले पतले आदमी क्या अल्पास की चोटियों पर पहुंचोगे। नेपोलियन बोनापार्ट्स ने उस बुढ़िया मां को देखा, वो बड़ी तीखी निगाहों से देखा। बुढ़िया ने कहा, मैं कहती हूं बहुत पछताओगे तुम कभी भी उन चोटियों पर नहीं पहुंच सकते हो। नेपोलियन बोनापार्ट्स ने कहा कि मां तू मुझे जानती नहीं है। बोली, क्या जानना, तू दिखाई दे रहा मरियल सा। उसने कहा, मां मेरे जीवन की डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है, और जब से मैंने अपने जीवन की डिक्शनरी लिखना सीखी है मैंने असंभव और ना और नामुमकिन जैसे शब्दों को निकाल करके फेंक दिया है। ये अल्पास की पहाड़ियां क्या है, यदि नेपोलियन चाहे तो चांद तक पहुंचने की ताकत रखा करता है। अल्पास की पहाड़ियां जहां बहुत नीची रह जाया करती हैं। बुढ़िया ने ऊपर से नीचे तक देखा और जाकर के उसके सिर पे हाथ रखा कि जिस बच्चे के मन में इतने बड़े हौसले होते हैं, अरे अल्पास भी उसे अपने चरणों में शीश झुका दिया करता है। और आपको मालूम होना चाहिए, नेपोलियन बोनापार्ट्स अपने हौसलों के दम पर अल्पास की पहाड़ियों में जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लिया। ये क्या है, एक जज्बा है, एक भीतर की इच्छा शक्ति है। लोग कहते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, अरे नादानों यदि ये सोच रही तो चौथे काल में भी तुम्हें मोक्ष होने वाला नहीं है। जिन्हें पाना है वो पंचम काल में भी पा लिया कर दे। लोग कहते हैं बुढ़ापे में संयम नहीं लिया जाता है, जवानी में कैसे संयम लेते हैं मेरी तरफ देखो, और बुढ़ापे में कैसे संयम लेते हैं जरा इनकी तरफ देखने का इशारा। दोनों उदाहरण यहां पर बैठे हुए हैं आपके। कौन कहता है हमसे ये नहीं हो सकता है। एक पिता अपने बच्चे से कहता है, जा बेटा बाजार जा और ताजा ब्रेड लेकर के आना। बच्चा पहले ही सोचने लगता है, ताजा नहीं मिला तो गया, और नहीं मिला बाजार में ताजा तो। और सोचिए ऐसे सोच वाले लोग जो करने से पहले हार जाया करते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं। तुम बाजार गए नहीं हो, दुकान देखा नहीं है, यहीं से सारे उत्तर दे देते हो। मेरे पास भी लोग आते हैं, मैं कहता हूं ऐसा काम कर दीजिए, नहीं हुआ तो। अरे मैंने कहा भाई काम तो करो, ऐसे कैसे नहीं होगा। छात्रावास में पंडाल बनाइए, व्यवस्थित करिए, लोग नहीं आए तो तेरे की। यदि ऐसा मैं सोच लेता तभी उसी कमरे में बैठ के समय सार पढ़ रहा होता और कुछ नहीं कर रहा होता। ध्यान रखिए, कौन कहता है लोग नहीं आएंगे। आज झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक बुलाने वाला। क्यों नहीं आएंगे लोग, बोले पार्किंग डे में नहीं आएंगे। अरे अभी तो ग्वालियर में ऐसा प्रवचनों का नशा लगा है, वर्किंग डे क्या किसी की श्रद्धांजलि भी हो तो कहे हम लेट आएंगे, पहले हम महाराज के प्रवचन में जाएंगे। ध्यान रखिए विचार, ये महिलाओं ने अपना समय बदल लिया। कई परिवार ऐसे हैं जिनके नाश्ते का टाइम चेंज हो गया, जिनके उठने का टाइम चेंज हो गया, दुकान खोलने का टाइम चेंज हो गया। मान्यवर इतनी दम अपने विचारों में रखिए, ये दुनिया जरूर आयत करती है। इंजन अपने में इतनी ताकत रखे कि 100 डब्बे खींच करके ले जाने को वह तैयार हो जाए। 100 डब्बों को एक इंजन खींच सकता है, लेकिन
नकारात्मक सोच रखने वाले 100 डब्बे मिलकर भी एक इंजन को नहीं खींच सकते हैं। ध्यान रखिए, सोच मजबूत रखिए, अपने जीवन विश्वास रखिए। जब से मैंने दीक्षा ली है, मैंने जो काम किया है बड़े विश्वास के साथ किया है, लेकिन एक बात मैं रखता हूं कि मैंने अपने जीवन में जब से इस मंजिल पर कदम बढ़ाया है, आज 21 साल मुझे होने जा रहे हैं, मैंने ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां पाई हैं, कभी पलट कर देखने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, क्यों? मेरे गुरु ने सबको दीक्षा दी है, लेकिन 2-4 साधु ही होते हैं जो अपने गुरु का नाम रोशन कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, वही लोग करते हैं जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत हुआ करती है। मजबूत इच्छा शक्ति के स्वामी बनिए। हजारों लोग विरोध करें, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। मंजिलों पे जाकर चिराग जलाना है मेरा काम। हवाओं के क्या रुख है हम ये नहीं देखा करते हैं। ध्यान रखिए, हवाओं को देख करके तो पतंग उड़ा करती है, दीपक हवाओं को देख के नहीं जला करते हैं। वो पतंग इसलिए हवाओं को देख के उड़ती है क्योंकि उसकी डोर किसी और के हाथ में हुआ करती है, और जिस दिन डोर कट जाए उस दिन पतंग को नीचे आने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। अपने जीवन की डोर किसी के हाथ में मत दीजिए, अपने जीवन की डोर भाग्य के भरोसे मत करिए, अपने जीवन की डोर अपने पुरुषार्थ के हाथों में थमा करके रखिए। ध्यान, हाथ देखते हैं लोग, अरे हाथ मत देखो, देखना है तो भुजाओं को देखने का प्रयास करिए। हाथ में हल जैसी रेखाएं हैं और बाजुओं में बाण बसे हुए हैं। मैं कहता हूं कि बाजुओं के बाण से हाथ की रेखाओं को बदला जा सकता है। ध्यान रखिए, रेखाएं बदल जाया करती है। जब मैं पहली बार समय शिखर की यात्रा पे गया, एक महाराज मुझे मिले, आचार्य संभव सागर जी के शिष्य मोक्ष सागर जी, इनका नाम अभी भी शिखर जी में होंगे। पहली बार मैंने अपने जीवन में किसी मुनि से बात की होगी। मैं समय शिखर की वंदना करके नीचे आया और आते ही साथ दूसरे दिन जब मैं फिर वंदना करने को निकला, एक ही बार गया हूं शिखर जी, तुम कितनी बार गए बोलो? 8-10 बार तो हो गए ना, जैसे गए वैसे ही रहे। मैं एक बार गया और कपड़े उतर गए। ध्यान रखिए, विचार कर, मक्का गए मदीना गए बनकर आए हाजी, और आदत गई न जिल्लत गई रहे पाजी के। ऐसी शिखर जी की वंदना से क्या होगा मेरे भाई, ऐसी शिखर जी की वंदना करो कि फिर शिखर जी के ही हो जाओ, अपना जीवन ऐसा बना लीजिए। मुझे मोक्ष सागर महाराज मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ परिक्रमा में चलोगे। मैं उस समय 19 साल का, मैं क्या जानू परिक्रमा क्या होती है, मैं समझा कोई मंदिर में चक्कर लगाना होगा। मैंने कहा चलो महाराज चलते हैं। बोले चल लोगे? अरे मैंने कहा कैसी बातें करते हो, चल लोगे? एक बेदी में घूमने में क्या चलना है? अरे बोले तुझे मालूम नहीं है परिक्रमा बहुत लंबी है। क्या मतलब? चल मेरे साथ। मेरे ग्रस्त जीवन की माता जी अम्मा जी को मैं लेकर गया था, उन्हें भी नहीं पता कि मैं कहां गया। महाराज के साथ चल दिया, जैसे ही परिक्रमा में गया पहली बार पता लगा कि ये परिक्रमा 36 किलोमीटर। मैंने कहा जिंदगी में मैं कभी पैदल चला नहीं, घर से बाजार जाना है तो रिक्शा देखता था, गाड़ी उठाता था, 36 किलोमीटर। मैंने कहा महाराज तुमने मेरी जान ले ली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और कोई नहीं, मैं और 2-4 लड़के और महाराज चल दिए। अब सुबह से निकल गए, खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं, मुझे क्या मालूम उस जंगल में परिक्रमा में पानी पीने को तक ना मिले। मार्च का महीना, मैंने कहा ले ली इस महाराज ने मेरी जान। ध्यान रखना, तुम तो मोक्ष सागर हो, मुझे मौत का सागर बना दिया तुमने। ले गए मुझे, 4 बजे पहुंचे निमिया घाट। अरे बाप, मैं तो भूख से मर गया। 2-4 लड़के और थे, बोले निमिया घाट में कुछ खाने को मिलेगा। महाराज बोले जाओ खायाओ, खाक खायाओ, पैसा तो घर पर ही धर्मशाला में ही छोड़ करके आ गए। बाबा तुम्हारा तो जुगाड़ लग जाएगा, हमें कौन खिलाएगा फ्री में?
ना ब्रह्मचारी ना भोजन। मेरे मन में आया कि चलो महाराज बिचारे भूखे रहेंगे, अपन तो चलो रात में भी खा लेंगे। उस समय कोई त्यागी व्रति तो थे नहीं। एक पपीता लगा था पेड़ में, हमने तोड़ा, दो चार लड़कों ने कपड़े गीले किए, महाराज आप पानी पी लीजिए। ना जाने कैसा भाव उस समय आ गया और पपीता छील करके निमिया घाट की धर्मशाला में आहार उन्हें 4 बजे दिया। ना दाल थी ना रोटी थी, महाराज भी पपीता खा गए। मन में लग रहा था एक आध पीस तो छोड़ दो बाबा, ये तुम खाए जा रहे हो, हम भूखे मर रहे हैं चारों लड़के। बड़ी दुर्दशा हुई, उनका भोजन कराया। मैंने कहा बाबा हम चले। बोले अरे सुबह ही चलेंगे। मैंने कहा अब ऐसा फंसने वाला नहीं, मैं सुबह नहीं चलूंगा। ना जाने उन्हें क्या सूझी, उनने मेरा हाथ देखा, रेखाएं देखी और उन्होंने कहा देख। मैंने कहा क्या देख रहे हो महाराज, कुछ बताओ मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। बोले तू सन्यास तो कभी नहीं ले सकता है। अरे मैंने कहा महाराज तुम गलत आदमी से टकरा गए। बोले सन्यास कभी नहीं ले सकता। मैंने कहा क्यों नहीं ले सकता हूं। बोले तुम्हारे हाथ में रेखाएं नहीं है। मैंने कहा रेखा को किसने देखा। और उसी दिन मैंने कह दिया बाबा अब रेखा नहीं है ना, तो मैं रेखा बना करके रहूंगा और अब जीवन में सन्यास लेकर आऊंगा और अब दोबारा जब भी शिखर जी जाऊंगा पैंट शर्ट में नहीं आऊंगा, जब भी शिखर जी जाऊंगा पीछे कमंडल हाथ लेकर के आऊंगा। मान्यवर उन महाराज तक मेरा संदेश पहुंचा देना कि मैं महाराज बन गया हूं, ध्यान रखिए। हाथ उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि हाथ की रेखाएं मत देखो, अपने बाहुओं की ताकत देखना चाहिए, ध्यान रखिए। और एक बात मजेदार, और जब मैंने वहां से अभी आया एससी जैन को हाथ दिखाया, ये क्या कह रहे तुम्हारे तो सन्यास की रेखा बड़ी प्रबल है। मैंने कहा धत तेरे की। मैंने कहा उनने तो कहा था नहीं है। ये बोले महाराज जैसे चलने लगो रेखाएं वैसे वैसे मुड़ने लगती हैं, इसका मतलब यही हुआ करता है ना तो रेखाओं से सफलता मिलती है ना भाग्य भरोसे मिला करती है। अरे जो पुरुषार्थ के कदम भी चढ़ते हैं रेखाएं उनका साथ देने लगती है। मानिवर क्या सोचते हो, दो पहलवान यदि लड़ रहे हैं दोनों की एक सी ताकत है, दोनों का एक सा वजन है, दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं, दोनों को एक से दांव पेच आते हैं, प्रतियोगिता शुरू हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब दोनों में ताकत एक सी है, दोनों के दांव पेच एक से हैं, एक पहलवान हारेगा एक पहलवान जीतेगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा। ध्यान रखना शरीर का बल तो दोनों का एक सा है, लेकिन जिस पहलवान के भीतर जिसका आत्मबल कमजोर हो जाएगा, ध्यान रखना वो कुश्ती में हार जाएगा, और जिसका आत्मबल मजबूत होगा उसे दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। वो एक पहलवान क्यों हारा, इसलिए हारा कि वो मन से हार गया। एक बात ध्यान रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते। जिंदगी को चलाने के लिए शरीर की शक्ति दूसरे नंबर पर है, जिंदगी को चलाने के लिए सबसे बड़ी कोई ताकत है तो हमारी इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। क्या सोचते हो, उड़ीसा में तूफान आता है, हजारों बेघर बार हो जाते हैं, हजारों के आशियाने खत्म हो जाते हैं, हजारों के मकान उजाड़ कर तूफान चला जाता है, लेकिन एक बात याद रखना ग्वालियर वालों, जो लोग तूफान शांत होने के बाद भी जीने की आशा रखते हैं वो अपना आसियाना फिर से बना लिया करते हैं। क्या जो आस छोड़ देगा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, अकेले सांसों से सफलता नहीं मिलती है, अकेले शरीर से सफलता नहीं मिलती है। यदि मुझे देखोगे, यदि मेरा मेडिकल टेस्ट कराया जाए
तो डॉक्टर कहते हैं कि आप संत बन कैसे गए? आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में था, ब्रह्मचारी था। आचार्य महाराज ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी रहो, तुम दीक्षा मत लेना। मैंने कहा महाराज दीक्षा क्यों नहीं लूंगा? बोले तुम्हारी एक किडनी है, तुम्हारे पास दो किडनी नहीं है, तुम दीक्षा को नहीं निभा पाओगे, डॉक्टरी रिपोर्ट कहती है। मैंने इतना सा कह दिया। आचार्य महाराज की एक आदत है, वो तर्क बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैंने कह दिया महाराज कि यदि ये किडनी दीक्षा के बाद खराब हो जाती फिर मैं क्या करता? महाराज ने कहा तर्क मत करिए, मेरे यहां दीक्षा नहीं मिलेगी, तुम्हें जहां लेना है वहां दीक्षा ले लीजिए। उस दिन रामटेक में मैं था, मुझे दीक्षा की एक तलब लगी थी कि दीक्षा तो लेना है। भिंडाया आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज के चरणों में मैंने उन्हें बताया नहीं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा बस दीक्षा चाहिए मुझे। उन्होंने दीक्षा दे दी। दीक्षा के 10 साल बाद फिर मुझे किडनी की तकलीफ हुई। मैंने आचार्य महाराज को बताया, उन्होंने कहा तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा महाराज आपने सिखाया है मरना तो एक दिन है, अरे 7 दिन में मरो या 70 साल में मरो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है, लेकिन जो स्वप्न लेकर जी रहे हो उस स्वप्न को पूरा करके मरना चाहिए। मानिवर एक स्वप्न मैंने लिया था कि जीवन के देह से जब भी विसर्जन करूंगा तो पिछली कमंडल मेरे पास होना चाहिए। मानिवर ये मेरा आत्मविश्वास ही है जिसकी दम पर आज मैं 21 साल से अपने मोक्ष मार्ग की साधना पर लगा हुआ हूं। ये बात अलग है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी नहीं हूं, ये बात अलग है कि मुझसे ज्यादा उपास नहीं होंगे, लेकिन एक बात तो जरूर है कि कामी भोगी मरने से अच्छा संयम के जीवन से मौत होना चाहिए। माने बस सोचिए आप, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या सोचते कि गरीब के घर पैदा हो गए तो ये तुम्हारी बदकिस्मती है? नहीं मेरे भाई, कोई गरीब अभावों से ग्रसित व्यक्ति ये ना सोचे कि गरीब के घर पैदा होना बदकिस्मती हुआ करती है। अरे बदकिस्मती गरीब के घर पैदा नहीं होना नहीं है, बदकिस्मती तो वो है कि जिंदगी भर गरीब बने रहना, ये आदमी की बदकिस्मती हुआ करती है। गरीब के घर पैदा होकर भी अमीर बन सकते हो, संघर्षों में जीकर भी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। माँ बाप को मत बोलो, ईश्वर को मत कहना कि किस घर में मेरा जन्म दे दिया है। गरीब के अमीर के घर पैदा होके अमीर बने तो कौन सा बड़ा काम कर लिया तुमने? अरे पिता की छोटी सी दुकान को जो बेटा मॉल में परिवर्तित कर देता है वो व्यक्ति पुरुषार्थवादी हुआ, वो सच्चा बेटा होता है। गरीब के घर पैदा होके चिंता मत करो, अमीर बन सकते हो अपनी मेहनत और लगन के बल पे। तुम्हें नहीं मालूम लाल बहादुर शास्त्री कौन से करोड़पति के घर पैदा हुए थे? विचार करिए, अब्दुल कलाम कौन से करोड़पति के घर में पैदा हुए थे? इमली के बीजे बेच बेच कर अपनी पढ़ाई करते थे और सड़क की रोशनी में जो किताबें पढ़ा करते थे वो एक देश का सबसे बड़ा मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बनकर के खड़ा हो जाया करता। ध्यान रखिए, ये कोई अमीर के घर पैदा नहीं हुए। सोचिए के आर नारायणन एक दलित घर में पैदा होते हैं, कोई कुछ नहीं था उनके पास, फटे कपड़े पहन करके स्कूल जाया करते थे। ऐसा व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति बन जाया करता है। और तो और बाजारों में चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाया करते। ये कौन है नरेंद्र मोदी? कौन है नरेंद्र मोदी? किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, नरेंद्र मोदी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का नाम हुआ करता है। ऐसा व्यक्तित्व आजादी के बाद पूरे देश का चिंतन जिसने बदल दिया। मुझे पॉलिटिक्स में मत डालना कि मैं कोई गुणगान कर रहा हूं उनके, याद रखना। मुझे ना कांग्रेस से नफरत है ना बीजेपी से प्यार है, बस मुझे तो अपने वतन से प्यार है, अपने राष्ट्र से प्यार है।
सोचना है आपको, एक दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर चले। भारत की सोच बदल दी, जो अमेरिका कल तक उन्हें गुनाहगार मानता था, आज नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर अमेरिका में प्रशंसा के पात्र बन जाए करते हैं। क्या कौन है ये व्यक्ति? एक संकल्पवान व्यक्ति है, न किस्मत से कुछ मिला है न भाग्य से कुछ मिला है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। क्या मान्यवर, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इतनी असफलताएं उन्होंने अपने जीवन में पाई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मन इन असफलताओं से कभी टूट नहीं। महिलाओं को थोड़ी सी विपरीतता मिलती है, आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है, तलाक देने को तैयार हो जाती है, घर छोड़ने को तैयार हो जाती है। अपने जीवन को आवेश में आकर नरक मत बनाना। अरे ध्यान रखना, सब दिन होत ना एक समान। ध्यान रखिए, आज कष्ट है कल सुख मिलेगा, योजना से काम करो। अकबर ने आदेश किया, आग्रह, 1000 सोने की असलपियां मिलेगी जो माघ के महीने में कड़कड़ाती ठंड में यमुना के बीच सारी रात गुजारेगा खड़े खड़े पानी में। ठंडी का महीना और यमुना जैसा ठंडा पानी और नदी के भीतर खड़ा खड़ा पूरी रात गुजारेगा। एक आदमी, एक ब्राह्मण धन का लोभी, उसने कहा चलो यार 1000 सोने की असरफियां मिलेंगी, क्या दिक्कत है। खड़ा हो गया, सारी रात खड़ा रहा, अकबर के दरबार में पेश किया गया। सुबह नदी से निकल के आया, अकबर से कहा गया हुजूर इसे 1000 सोने की मोहर दे दी जाए। अकबर ने कहा कि क्या हुआ? बोले सारी रात ये नदी में खड़ा रहा। अकबर ने कहा ये तो बड़ा असंभव कार्य है, एक बात बताओ तुम नदी में कैसे खड़े रहे इतनी ठंड में? तो जानते हो वो ब्राह्मण क्या बोलता है, तुम्हारे महल में एक चिराग जल रहा था, नदी में खड़ा खड़ा मैं उसे देखते रहा और इतना ध्यान में एकाग्र हो गया कि उसकी गर्मी मुझे प्राप्त होती रही और मैं रात भर पानी में खड़ा रहा। अकबर ने कहा इनाम कैंसिल। सोचिए आदमी को कितनी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अरे रात को कड़कड़ाती ठंड में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सुना इनाम कैंसिल, पसीने छूट गए ठंड में उस आदमी के। रात भर में खड़ा रहा और बादशाह कहते इनाम कैंसिल। बोले क्यों? बोले तूने दिए से गर्मी क्यों ली? दिए से गर्मी ली इसलिए तू ईमानदारी से नहीं खड़ा रहा, तेरा इनाम रद्द किया जाता है। रोता रोता बीरबल के पास पहुंचा, बीरबल से बोला वजीरे ये बताओ मेरी क्या गलती है? बीरबल ने कहा बताओ। बोले अकबर ने, बादशाह ने मेरा इनाम कैंसिल कर दिया, सोने की असरफियों के लिए मैं खड़ा रहा रात भर। बीरबल ने कहा कल दरबार में आना। बोले ठीक है। अब बीरबल तो बीरबल है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले लोग। बीरबल ने दूसरे दिन दरबार में अकबर से कहा कि जहां बनाए कभी आपने मेवा की खीर खाई है? अरे अकबर ने कहा मेवा की खीर यार, चावल की तो खाई है। तू भी बीरबल क्या क्या विषय लेके आ जाता है दरबार में रोज रोज, क्या होती है मेवा की खीर? बोले हुजूर एक बार खाओगे जिंदगी भर उंगलियां चाटोगे। तो अकबर ने कहा यार बीरबल बनवाओ मेवा की खीर क्या होती है। बोले मेरे महल में आ जाना। अकबर ने कहा आ जाऊंगा। अब अकबर से तो सारी रात नहीं कटी, दूसरे दिन 9 बजे का निमंत्रण। अकबर को तो लगा यार मेवा की खीर मेवा की खीर। जैसे ही पहुंचे वहां जाके क्या देखते हैं, अकबर ने कहा लाओ बीरबल खीर बन गई हो तो। बोले हुजूर अभी इंतजार करो, इतनी जल्दी कैसे बन जाएगी खीर? अरे बोले क्यों, मेवे की खीर में टाइम लगा। अरे बोले वक्त लगेगा। तो अकबर ने, 1 घंटा हो गए 2 घंटे हो गए, अकबर ने कहा अरे बीरबल जल्दी ला भाई भूख लग रही है।
तू बता तो खीर कहाँ बन रही है। बीरबल अंदर ले गए रसोई घर में, बोले ये देखो जहाँ बनाए ईद खीर बन रही है। बोले पागल, ये खीर तो जिंदगी भर नहीं बनेगी। बोले क्यों? मालूम है बीरबल ने क्या किया? नीचे एक मोमबत्ती लगाई और 50 फीट ऊपर खीर की भिगोनी बांध के रख दी। बोले इंतजार करो, जब पक जाएगी तो खा लेना। अकबर ने कहा पागल, ये मोमबत्ती से 50 फीट ऊपर की ये खीर 10 साल तो क्या कभी नहीं पकने वाली है? तो बीरबल ने कहा हुजूर, जब एक मोमबत्ती से खीर गर्म नहीं हो सकती तो एक महल के दिए से आदमी गर्म कैसे हो सकता। मान्यवर कहते हैं ना बीरबल की खिचड़ी, विचार करें आप, वही इनाम जो खो दिया था लेकिन बीरबल ने योजनाबद्ध तरीके से हासिल कर लिया। आप व्यापार में फेल हो रहे हैं, जरूर प्रक्रिया गड़बड़ होगी, वरना कोई आदमी असफलता को प्राप्त नहीं करता है। आप परीक्षा में फेल हुए हैं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही, वरना पढ़ने वाले कभी जीवन में फेल नहीं हुआ करते हैं। आप अपनी कमी को देखने का प्रयास करो कि गलती कहां से हो रही है। 1000 सोने की असरपियाओं से प्राप्त हुई। मान्यवर हिम्मत मत हारो अपनी जिंदगी में, हर सफलता दिमाग से प्राप्त होती है। 3 मिनट शेष है, अपनी बात समाप्त करता हूं। एक 19 साल की बेटी जिसके जन्म लेते ही मां की मौत हो गई, कुछ दिनों बाद पर पिता की मौत हो गई। गरीब घर की वो लड़की, चाचा चाची ने उसकी एक दिन शादी कर दी। 19वें वर्ष में आने के बाद ऐसी शादी हुई, 1.5 साल ही हुआ शादी हुए, 2 साल हुआ और एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई। उधर मां नहीं पिता नहीं, ससुराल में आते ही विधवा हो गई। सास ससुर ने निकाल दिया घर से कि मनहूस लड़की, पीहर में रही तो मां बाप का जीवन ले लिया, यहां आकर मेरे बेटे का जीवन ले लिया, निकाल दिया उसे घर से। बहुत दुखी हुई, पढ़ी लिखी नहीं थी ज्यादा, एक स्कूल में चपरासी की नौकरी कर ली उसने, पानी पिलाती दिन भर, जब छुट्टी होती तो बच्चों को पानी पिलाती, तो जब क्लास लगती तो कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई करती थी। सोचिए आप, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल 8वीं 9वीं पढ़ी होगी, कक्षा के बाहर बैठ करके पढ़ाई करती। और एक दिन उसने प्राइवेट एग्जाम दिया, एक हौसला था, एक जिंदगी जीने की चाहत थी उसके भीतर, उसने बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं कक्षा पास कर ली। ध्यान रखिए, बदकिस्मती को खुशकिस्मती बना सकते हो आप। उसने 12वीं कक्षा पास की, वह स्कूल का काम भी करती और अपनी पढ़ाई भी करती। एक दिन उसने बीए किया, एक दिन उसने एमए किया, एक दिन उसने पीएचडी कर ली और उसी कॉलेज में जो पानी पिलाती थी वो लेक्चरर बन के प्रोफेसर बन करके खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा ना, सकल पदार्थ या जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। मान्यवर सब मिलेगा इस धरती पर। तो सफलता के लिए जो मैंने आपको बातें बतलाई हैं, आत्मविश्वास मजबूत, दृढ़ इच्छा शक्ति ये आपके अंदर होना चाहिए और एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य होना चाहिए। अधवा तदवा कार्य करोगे कुछ प्राप्त ना हो सकेगा। मैं अपने चातुर्मासों को इतना व्यवस्थित इसलिए करता हूं कि हर कार्यक्रम के पहले कमेटियों को योजना दिया करता हूं, इस तरह से कार्य करो, इस तरह से व्यवस्थित कार्य करो। अरे प्रवचन देना है तो प्रवचन तो सड़क पे बैठ के तखत बिछा के भी दिया जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वह तखत बिछा कर प्रवचन तो दिया जा सकता है लेकिन आदमी की गरिमा और महिमा तभी बनती है जब कोई व्यवस्थित तरीके से कार्य किया जाता है। ध्यान रखना मान्यवर।
चीज की योजना बनाओ, अनुशासित कार्य करो, सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। आप सबने सुना, 10 बज चुके हैं, अनुग्रहित हूं।